तो आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग डाल दो ना। हाँ, आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं यूजर फॉर्म। और यूजर फॉर्म में एक बहुत ही अच्छा चीज आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, ओके सर। जिसकी आधा पार्ट मैं बताऊंगा, आधा पार्ट आपको करना है, तो इसलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे मंथ वाइज एक रिपोर्ट निकाला हुआ है, राइट, एक रिपोर्ट हमने यहाँ पे बनाया, और सिंपल सा एक रिपोर्ट बनाया। अब ये रिपोर्ट के ऊपर हम चार्ट यहाँ दे देते हैं, इंसर्ट करके कोई भी एक लाइन चार्ट यहाँ दे देते हैं। अब हमें करना क्या है कि इस चार्ट को अपने यूजर फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करना है, ठीक है। यस सर। तो हम माइक्रोज में विजुअल बेसिक पे जाते हैं, इंसर्ट मॉड्यूल्स, नहीं मॉड्यूल्स नहीं, हम तो यूजर फॉर्म नहीं है। हाँ, यूजर यूजर फॉर्म हमने यहाँ पे इसको लिया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लगा है क्योंकि चार्ट बड़ा है। अब इसमें कोई बड़ा कोड नहीं लिखना है हमें, ठीक है, इसमें कोई बड़ा कोड हमें नहीं लिखना है। सबसे पहले कि चार्ट को हमें, चार्ट को तो लेगा नहीं, चार्ट को हमें एक अलग फाइल में अलग जगह पे मुझे सेव करना, ठीक है। सबसे पहले तो एक बटन दे देते हैं यहां पे, यहां पे शो चार्ट करते हैं, कोडिंग हम इसी पे करेंगे ना, अब इस पे हम कोडिंग करते हैं। अब इसमें हम यहां पे एक करेंगे तो ये सेट करेंट चार्ट इक्वल टू शीट्स, जिस शीट में चार्ट है आपका, शीट वन में चार्ट है ना, यहां पे हम शीट वन डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट और इसमें एक ही चार्ट है तो हम यहां पे वन दे देंगे, सीरियल नंबर से चलता है डॉट चार्ट, और मैं और यहां पे देंगे एफ नेम, फाइल नेम मान लीजिए एफ नेम इक्वल टू दिस वर्कबुक या एक्टिव वर्कबुक कर लीजिए डॉट पाथ, और पाथ के साथ मैंने हमारे के साथ हम कर देंगे टी डॉट डी एफ, ठीक है। अब यहां पे हम करेंगे एक करेंट चार्ट, बहुत बड़ा लिख दिया हम, सी यू सी कर देते हैं, सी यू सी, हाँ छोटा नाम डिफाइन कर रहे हैं तो सी यू सी डॉट एक्सपोर्ट रहना चाहिए था इसको एक्सपोर्ट और इसमें फाइल नेम जो होगा हमारा फाइल नेम इक्वल टू
एफ नेम। और फिल्टर नेम, फिल्टर मतलब कि ए क्या होगा, ये एफ इन्वर्टर को मांगा जाना पड़ेगा, जी आई एफ सॉरी कॉमा देना होगा यहाँ पे। सारे बड़ा हो गया मतलब कि एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये करेगा आपके चार्ट को जीआईएफ फॉर्मेट में, आपका फाइल जिस पाथ में है उस पाथ में जाकर उसको सेव कर देगा, समझे, या कोई भी एक लोकेशन में उसको सेव कर देगा। अब मैं इस पे पिक्चर का एक लेता हूं, क्योंकि पिक्चर डायरेक्ट तो नहीं आएंगे, एक पिक्चर फॉर्म, एक पिक्चर पे ही आएंगे। तो हमने यहां से पिक्चर ड्रॉ कर लिया, जो कि पिक्चर इमेज वन के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे लिखेंगे हम मी डॉट इमेज वन डॉट लोड इमेज वन डॉट, यहां पे आएगा पिक्चर, पिक्चर इक्वल टू लोड पिक्चर, और इसके अंदर में कर देंगे एफ नेम, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपका, अब मैं इसको एक बार प्ले करके देखता हूं, ये एरर देखता हूं क्या है, परमिशन डिनाइड। ओके ओके, क्योंकि हमने हमारा फाइल सेव नहीं है ना, बात समझे। यस सर, हम इस फाइल को इस फॉर्मेट में सेव, एक्सेल बंद कर दिए हम। अरे बाप, फिर से करना पड़ेगा सर। हम इसलिए मैंने शुरुआती दौर में बताया था कि हम फाइल को सेव करते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन में। यूजर फॉर्म पी आई सी आर पिक्चर के नाम से, अब करते हैं सर। सारा मेहनत चला गया। यस सर, पता नहीं कैसे बंद हो गया, मैंने बंद तो नहीं किया था। हमने बटन कर दिया, सी यहां पे लिखे हम सेट सी इक्वल टू सीट्स वन डेटा के नाम से बदलता हूं, डेटा डेटा डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट, चार्ट ऑब्जेक्ट्स वन डॉट चार्ट हो गया। हमने चार्ट सेट कर दिया, फिर हम एफ एन इक्वल टू और फाइल हमारा है तो यहां पे देते हैं एक्टिव वर्क डॉट पाथ, और इसके साथ हम कंबाइन करते हैं टी डॉट जी आई एफ, और फिर हम करते हैं सी डॉट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट और यहां देते हैं फाइल नेम इक्वल टू एफ एन कॉमा फिल्टर नेम इक्वल
इक्वल टू जी आई एफ। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं मी डॉट इमेज वन डॉट पिक्चर इक्वल टू लोड पिक्चर। और इसके अंदर में हम दे देते हैं फैन, लेकिन मैं चार्ट तो बनाया नहीं तो हमें चार्ट बनाना होगा। नेम हमने कर दिया यहाँ पूजा, और जैन फैब से लेके हम एक कर ले लेते हैं। हम इसको सिलेक्ट करके एक लाइन चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको हम प्ले करते हैं, प्ले कर एक बार सेव कर देता हूँ, प्ले हुआ तो दिक्कत नहीं हुआ। तो शीट नेम चेंज कर दो क्या? शीट नेम, हाँ शीट नेम, सही बोला आपने बेटा। ओके शो चार्ट दिख गया। यस सर। ओके, अब इसमें एक एडिशन यहाँ पे करना है कि हम यहाँ बटन देते हैं कि मुझे इसमें चाहिए लाइन चार्ट, चार्ट को हम चेंज करना चाहते हैं कि लाइन होना चाहिए। ठीक है, फिर हम यहाँ इसी एक और बटन लेते हैं और हम बोलते हैं यहाँ पे कि ये होना चाहिए कॉलम चार्ट। ठीक है, तो अब कैसे होगा इसमें? तो हमें इसमें लाइन चार्ट का, चार्ट का जो टाइप है वो टाइप हमें चेंज करना है सीट पे, और फिर वापस सीट पे चेंज करना है। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे जो ऊपर दिए हुए सीट, चार्ट का एक मिनट, इसका अगर हम चेंज करना चाहते हैं ये राइट क्लिक चेंज डाटा टाइप चार्ट टाइप, मैंने बोला लाइन चार्ट, राइट क्लिक चेंज चार्ट टाइप कॉलम चार्ट। ये देखिए एक्टिव चार्ट डॉट चार्ट टाइप इक्वल टू एक्सेल लाइन, बस इतना ही लिखना है। ओके, लिखना हमें यहाँ पे, हमें यहाँ पे करना है सी डॉट चार्ट टाइप एक्सेल लाइन चार्ट। ठीक है सर। ओके, और कॉलम में क्या करना, इसको वापस भी सेम हम कर लेते हैं
और कॉलम चार्ट का जो होता है ये आपका एक्सेल कॉलम कर्सर, यहाँ पे एक्सेल कॉलम कर्सर बस इतना ही करना। अब मैं इधर फॉर्म में आता हूं, शो चार्ट लाइन पे क्लिक किया एंड देन शो, कॉलम पे क्लिक किया देन शो। ठीक है सर? यस सर। चलिए अब इसमें आपको करना क्या है, ये तो मेरा पार्ट हो गया, इसमें आपको क्या करना है इस चीज को जानना है। इसमें तो अभी एक सिर्फ एक पूजा का नाम है। अब मान लीजिए कि मेरे पास लिस्ट ऑफ बहुत सारे नाम है, मेरे पास बहुत सारे लिस्ट ऑफ फॉर्मूला का नाम है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो यहां पे मैं चाहता हूं यहां पे हमने लिस्ट बॉक्स लगाया, जिसको सिलेक्ट करूं चार्ट उसी का ही दिखे। ठीक है? यस सर। ये आपको बनाना है, अब मुझे लगता है कि आप बना लेंगे। ठीक है? ओके सर। इसको पूरा कीजिए आप। सर फाइल सेंड कर दो ना। हाँ कर देता हूँ अभी, जस्ट फाइल में फाइल आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है? ओके सर। ओके बाय।